बिहार में छठ महापर्व को लेकर प्रशासन ने अपनी तैयारियां जोरों पर कर दी। आपको बता दें कि कोरोना संकट के बीच छठ महापर्व मनाया जा रहा है, ऐसे में प्रशासन के लिए यह काफी चुनौतीपूर्ण होने वाला है। वहीं इस बीच पटना के डीएम कुमार रवि ने छठ महापर्व को लेकर बैठक की है। इस बैठक में सभी अधिकारी मौजूद रहे और छठ को लेकर क्या कुछ दिशा निर्देश जारी किया है वो आप खुद सुनिए। छठ के समय बहुत लोग बाहर से भी आते हैं, तो उन सभी चीज को ध्यान में रखते हुए ये अपील जारी की गई है। इसके अतिरिक्त जो भी लोग ऐसे हैं जिनके पास घर पर पूजा करने की का विकल्प नहीं है, उनके लिए हम लोगों ने जो नदी के किनारे के घाट हैं उनको सुरक्षा के दृष्टिकोण से तैयार किया है, ताकि ऐसे छठव्रतियों को किसी तरह की कठिनाई नहीं हो। और जितने भी छठव्रती घर पर कर रहे हैं उनकी सुविधा के लिए नगर निगम के टैंकर के द्वारा प्रत्येक वार्ड में लगातार शुद्ध गंगा जल का की आपूर्ति की जा रही है। इसके साथ साथ यह भी निर्देश जारी किए गए हैं कि जो संध्या का अर्घ है और सुबह का अर्घ क्रमशः 20 नवंबर और 21 नवंबर को है, उस दिन जो अशोक राजपथ है आरा गोलंबर दानापुर से लेकर के दीदारगंज तक, उस पर वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित किया जाएगा। और इसीलिए लोगों से यह भी अपील की जाती है कि अपने वाहन से घरों से नदी घाट की तरफ नहीं निकलें, अन्यथा काफ़ी कठिनाई हो सकती है। और ऐसे लोग जो पैदल आएंगे उनको नदी घाट तक जाने के लिए अलाउ किया जाएगा, लेकिन उसमें भी हम लोगों ने यह अपील की है कि लोग अधिक से अधिक संख्या में घर पर ही करें। इसके साथ साथ कई पार्क में और जो सार्वजनिक तालाब हैं वहाँ भी छठ की व्यवस्था की गई है, और वहाँ भी नगर निगम के द्वारा साफ सफाई कराने के साथ साथ वहाँ पर समुचित जो बैरिकेडिंग है उसको कराया गया है। पूरे नदी घाट में भी घाटों में भी बैरिकेडिंग कराई गई है, और यह भी निर्देश जारी किया गया है कि लोग उसमें स्नान नहीं करें और स्नान के साथ साथ डुबकी लगाने से बचें। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि जो एडवाइजरी उनके हेल्थ के लिए दी गई है, स्वास्थ्य के लिए दी गई है, उसका लोग पालन करें। लेकिन साथ ही साथ जिला प्रशासन ने छठव्रतियों की सुविधा के लिए सभी घाटों पर समुचित तैयारी की है, पर्याप्त व्यवस्था की है, ताकि उनको कोई कठिनाई नहीं हो।